ए दीदी का, भाभी का, दद्दू का, मिट्टू का, थर्टी रुपीज का वो दे रहा है गड्डी, हम 30 रुपए का वो दे रहा है गड्डी और आप देना चाह रहे 20 का गड्ढा। बाजार में जो सस्ता बेच रहा हूँ पगला आदमी है बोला। क्या लेने आए थे? ये देखो सारी फिशेज अलग अलग तरह की, और खो ना जाओ मैं कहीं करके, भाभी ने मेरा हाथ प्रॉपर पकड़ा हुआ है। मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ ऐसे थोड़े 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 क्यों रखे हुए। देखो ये बात बिल्कुल सही कहते हैं लोग कि अगर किसी जगह का कल्चर जानना है ना तो वहाँ की लोकल मार्केट वहाँ पे आप चले जाओ, वहाँ कल्चर पूरा दिख जाता है। ये बिल्कुल दिखने वाली लानत है तेरे कुत्ते होने पे अगर तू इसको नहीं भगा पाया तो। हेलो जी, हाय, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ कोनी पाठक। यहाँ नहीं आई है ठंडी, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं सब्जी मंडी। पता नहीं क्यों क्यों जा रहे हैं हम दद्दू सब्जी मंडी, महंगा प्याज लेने के लिए। भाभी क्यों जा रहे हैं हम सब्जी मंडी? तो हम जा रहे हैं सब्जी मंडी महंगा प्याज लेने के लिए, और कमल की बात है कि आपको भी लेके चल रहे हैं। चलो फिर। वो ये तो हेडक्वार्टर का वो है, ये देखो देखो देखो, डियर डॉगी, लानत है तेरे कुत्ते होने पे अगर तू इसको नहीं भगा पाया तो। ये तो हमारे यहाँ के सलमान खान से भी बड़ा है। अरे बाबा, देखो देखो उसके एक और दोस्त आ रहे हैं, दो तीन। छी यार, ऐसा कुत्ता भी क्या कुत्ता है यार। पहुंच तो गए, बस पार्किंग नहीं मिली। क्या है ये, कैसी जगह रहते हो आप? पार्किंग नहीं मिली यहाँ? रह भी नहीं है, सरकार हमको उठा के पटक देती है यहाँ। यहाँ मुझे एक चीज अच्छी लग रही है, पूछो क्या? क्या? औरतों की साड़ियाँ मांग रहे ना किसी से। मेरे कपड़े दिखाओ, सबके तो मांग के पहनती है। दोस्तों मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ, दीदी का, भाभी का, दद्दू का, मिट्टू का, ऐसे मांगने वाली सबकी, मांगने वाली लड़की है ये। मांग ले किसी से साड़ी मिल जाएगी, है ना? चलो ट्राई करते हैं। आयो रे भाई आयो रे, चलो भैया देखो यहाँ क्या क्या। ये तो साउथ इंडियन मूवी वाला है, खच्चे खच्चे वाला। 180 का है ये, 180 का है। कार्टून ये कुछ नॉन वेज वगैरह हमारे मतलब का नहीं। अरे बाप रे, यहाँ बर्तन भी मिल रहे हैं। मुझे लगा था ये मंडी है, ये पूरी हाट है जहाँ सब कुछ मिलता है, और सिर्फ इतने केले, क्योंकि यहाँ ना छोटे छोटे केले होते हैं। देख लो ये बाजार में आके भी इतनी नौटंकी करते हैं दोस्तों। ए मार खाती हूँ, 500 रुपए दूंगी अगर यहाँ पे जाके सिर्फ 2 मिनट डांस करोगे वो गाने, बिहारी गाने में। नहीं 1000 दूंगी, चलो 1000 दूंगी, आप बोलो मैं दूंगी, मैं कर सकती हूँ। ये है बर्तनों की बाजार, बड़े बड़े बर्तन। यार ये लोग फिर अपना हाथ पकड़ के चलने लग गए यार, मेरे को अकेला छोड़ दिया। यहाँ भी मिल गया पकौड़ा, पकौड़ा ओ गरम गरम। ये देखो सारी फिशेज अलग अलग तरह की, और ड्राई हुई हुई है, सब सूखी हुई है। देखो ये भी कैसे खाएंगे, मतलब गंदी नहीं कह सकते, वो लोग खाते होंगे बट अजीब सा स्मेल है। बहुत स्मेल आ रही है, नॉन वेज वाली शॉप है यार। उन्होंने क्या लटका रखा है इतना बड़ा, ये तो बकरा तो नहीं लग रहा, अजीब सी स्मेल है। हम आप यहाँ से जान के लेके आए ना इस रास्ते, आप हम हे भगवान, सुअर भी बिक रहा था, तू चलो यार यहाँ से, आई हेट दिस प्लेस। यहाँ ठीक है, सुअर बेच रहे हैं लोग इतना बड़ा बड़ा। ये है ना अपने काम की चीज, हरी सब्जी खाया करो दोस्तों, मूली, ये क्या पता नहीं, पालक, राई, ये खाओ, ये अपने टाइप की चीज है। धनिया में 40 का, 50-50 का, 40 चल रहा है यहाँ। 30 रुपीज का वो दे रहा है गड्डी, 30 रुपए का वो दे रहा है गड्डी, और आप देना चाह रहे 20 का गड्ढा। दद्दू चले गए, चलो 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 चलो, छोड़ के भागेंगे हमको, एक तो मछलियों के बीच घूम जाएंगे हम। कितने रुपए गड्डी दे रहे हो दोस्तों? मतलब सब ठीक है, पर स्मेल अच्छी नहीं आ रही। यू लाइक फिश? बस है तो फिर ले जाएंगे। यू लाइक फिश? मच्छी खाते हो तुम? मच्छी नहीं खाते? ओके बाय, फिश खा वो। यहाँ बंगाली लोग भी काफी है ना, बाप रे सी फूड बहुत खाते हैं यार लोग। सुअर रखा हुआ तो सुअर।
झाड़ू है ये, झाड़ लगाने वाला है। बाप रे गजब है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे यहाँ मेला लगता है ना, वैसा ही। हालांकि मतलब हाट है, एक बाजार है, बट यहाँ सब लोग देखो कैसे कैसे घूम रहे हैं। बाजार में जो सस्ता बेच रहा हूँ पगला आदमी है बोला। टमाटर कैसा दिया भाई? मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ ऐसे थोड़े 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 क्यों रखे हुए। देखो थोड़े से थोड़े थोड़े थोड़े। दद्दू अभी भी भाभी की तस्वीर रखते हैं देखो पर्स में। हेलो हेलो भाई साहब, कितने रुपए किलो दिया? तीस रुपए क्या पौवा? पाव के लोग पौवा बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ भाभी, रोज लगती है या सिर्फ संडे लगती है बाजार? डियर पहाड़ में बैठे वाले लोगों, माल्टा 200 रुपीस पर कीजिए। यार कितना खाते हैं लोग, एक झोला भर लिया इन्होंने, बैग भर लिया, फिर भी इनकी खत्म नहीं हो रही शॉपिंग। यार चीज मैंने वो लिया ही नहीं। क्या लेने आए थे? प्यालू आज प्यालू आज लेने आए थे, वही नहीं लिया। गुड़ देखो गुड़ को दोस्तों, पूरे सूखे मसाले, खड़े मसाले। तो ये है यहाँ की लोकल मार्केट जो कि सिर्फ संडे को खुलती है, इसलिए यहाँ इतनी भीड़ है, इसलिए सस्ता सामान खरीदने के चक्कर में ऐसे लोग मतलब लोग यहाँ आते हैं। तुम भी तो आए हो। मैं भी लोगों में शामिल हूँ। इनको हमारे यहाँ कहते हैं पिनाऊ शाओ। आंटी, एक आदमी ने इनको आंटी का, आंटी आंटी बोले, आंटी आंटी बोलिए ना, आंटी इतनी सी तो हो। यहाँ से सब क्या बोलते हैं, मंगलम भगवान नहीं होगी, वहाँ से आंटी। देखो नींबू यहाँ ऐसे मिलते हैं, यहाँ कागजी नींबू नहीं मिलते हैं। कैसे दे रही हो? 20 रुपए का 6 मिल रहा है। ये जो दिख रहा है ना, ये बैम्बू का पाउडर है, जो उसकी डंडी होती है उसको सुखा के फिर इनका कुछ तड़का वड़का होता है। इसको खाते कैसे हैं? इसका तड़का लगता है खाने में, फिर फ्राई करके खाते हैं। अच्छा, बहुत छोटी छोटी मछली है। ये भी नींबू है। अरे हाथी राजा, ओ हाथी राजा। दद्दा दद्दा, मुझे कपड़ों की शॉपिंग करनी है। पैंट ली ली है, पैजाम ली है, पैंट ली दे दो। ये ली दे, टी शर्ट जैकेट बढ़िया रहा। एडिडास दे दो दद्दा, एडिडास वाली ली। यार ये वैसे नहीं है ऐसे गांव का मेला वाला फील एकदम। मेला हुए तीन के, मैं तो कब से नहीं गई, वैसे भी नहीं गई मैं, 10 साल से ज्यादा हो गया होगा। ये जगह का नाम क्या था? बाली बालीपाड़ा, बालीपाड़ा, बालीपाड़ा की मार्केट में हाट में आए थे, जहाँ सब्जी मिलती है, हर चीज मिलती है, कपड़े मिलते हैं, लिपस्टिक भी मिलती है, यू कैन बाय एवरीथिंग फ्रॉम हियर। मुझे यहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली, मतलब जो कि ऑलरेडी हमें पता ही होती है, देखी मैंने, जैसे कि यहाँ के लोग सूखी हुई मच्छी बहुत खरीद रहे थे, मैं कैमरा ऑन कर रही थी तो सब स्माइल कर ले रहे थे, तो मेरे लिए तो वही बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी हम घर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, किसी जगह आए और ऐसी जगह जाएंगे तो वहाँ की मतलब असली चीज़ें पता चलती हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, इन लोगों को तो आदत होगी, तो ये सब्जी ले रहे थे तो इनसे हमें क्या है ना। चलिए अब घर चल रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा व्लॉग, और आपने देखा कि भाभी है घमंडी, हम गए थे सब्जी मंडी। भाभी नो ऑफेंस, ये थोड़ा जस्ट राइम करी थी मैं, गुस्सा होगी तो मारेगी, शाम को खाना भी नहीं मिलेगी। तो जी हम पहुंच गए घर, आए हम लाए भुज्जी। ऐसा दुनिया में कोई बच्चा नहीं जिसने मुझे इग्नोर किया, बट सामने एक बच्चा उसने मुझे इग्नोर किया। हाँ जी, तो हम सब्जियाँ ले आए हैं मेरे ब्लॉग से हट। तो जी इस ब्लॉग के प्लान कर रहे हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऊपर पिताजी माता जी और मिट्ठू जी इंतजार कर रही हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक लिए अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, सबसे जरूरी बात है कि मुस्कुराते रहना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। हाँ, इस बच्चे ने मुझे इग्नोर किया, इस बच्चे ने अभी भी इग्नोर कर रहा है।